वर्ल्ड कप लीग टू का एक राउंड चल रहा है इस वक्त, जी हाँ, यूएई, यूएसए और स्कॉटलैंड के बीच में, और दूसरा राउंड एक और शुरू होने वाला है, बहुत ही करीब है, टीम सारी पहुंच चुकी है नेपाल, ओमान और यूएसए के बीच में। नेपाल के कोच मिस्टर बूड सर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ दो बातें ऐसी कही हैं जिनमें से दो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड उन बातों को हम कह सकते हैं। सबसे पहले बूड सर ने अपने बयान में ये कहा कि जो पिच है, जो उन्होंने अभी तक पिच को देखा है, जितना मिजाज और स्कॉटलैंड वाले जो सीरीज चल रही है, पिच वो नहीं होगी, जैसे पिच तो दूसरी होगी, लेकिन है तो आखिर उसी तरीके की पिच, क्योंकि जो दो पिच देखी गई है, उन्होंने कहा कि बैटिंग इस पिच पे थोड़ी चैलेंजिंग नजर आ रही है और उसमें कोई दोराय नहीं है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बैटिंग चलती नजर आ रही है। और सर ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि चारों के चारों मैचेस जीतने की, जाहिर सी बात है कोई भी टीम उतरती है वो यही चाहते हैं कि चारों के चारों मैचेस जीते। एक चीज उन्होंने और यहाँ पर कही है कि हम जो 50% का हमारा जो इस वक्त विनिंग परसेंटेज है, इसे हम और ऊपर करना चाहेंगे। आप में से बहुत लोगों को याद होगा डेली क्रिकेट टीवी कुछ वक्त पहले, आज से शायद 8-9 दिन पहले, एक वीडियो में कहा था, आपने अगर पूरा सुना हो, उसमें कहा था कि नेपाल को अपना विनिंग परसेंटेज 65 या 70 के आसपास लेकर जाना होगा, तब वो टॉप 3 के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को दावेदारी और मजबूत कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही चीज अपूर्व सर ने भी यहाँ पर कही अपने इंटरव्यू में कि 50% के ग्राफ को हम बेटर करना चाहेंगे। प्लेइंग 11 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक रिवलेशन किया है, वो क्या है भाई आपको बता। जरूर, और प्लेइंग 11 को लेके जो सर ने कहा है कि जो कुछ ओपनिंग हमारी जो बैट्समैन है, यानी कि जो ओपनिंग है कुशल और आसिफ की, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये इसका जरूर एक 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 कॉन्फिडेंट दिखाया है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, ये हम यही चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपने मुंह से कही। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो रेस्ट ऑफ द स्क्वाड है, यानी कि जो प्लेइंग 11 में जो बाकी जने हैं, उसमें 1-2 चेंजेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सरकार स्क्वाड को लेके, स्क्वाड मतलब पूरा स्क्वाड नहीं, प्लेइंग 11 को लेके कहना था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1-2 चेंजेस होने भी चाहिए, क्योंकि आपको उन कंडीशन में टेस्ट करने हैं, और किस तरीके की प्लेइंग 11 अगर रखी जाए तो बहुत बेहतर होगी। ये भी हमने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि नेपाली ऑल स्टार के खिलाफ नेपाल किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ जाए तो बहुत बेहतर होगा। वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज जरूर देखिए। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही, कोई भी अपडेट आएगी लगातार आपको फास्टेस्ट अपडेट एशियन क्रिकेट से रिलेटेड कराते रहेंगे। कम्युनिटी और वीडियो ट्विटर लगातार चेक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।